इन्हें यहीं पे रहने दें, ये तो समझ ही नहीं आती। अरे अभी तो कह रहे थे सारी अच्छी है। तुम इसलिए कह रहा था क्योंकि आपके पास है तो अच्छी ही होंगी। चलो खाना खाओ। आज डॉक्टर साहब और अतिया पहली बार एक साथ बाहर गए हैं, है ना? जी। कभी इतनी देर लगा दी, अभी तक नहीं आए वापस। ये सब तो आपकी मेहरबानी। आप पराठे कितने अच्छे बनाती हैं, इतने मजे के हैं। तुम तो मेरी हर चीज की ऐसे ही तारीफ कर देती हो, पता नहीं सच होती भी है या झूठ। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल झूठी तारीफ नहीं करता, बिल्कुल सच्ची तारीफ करता हूँ आपकी। चलो मान लिया, अब जल्दी से खाना खा लो वरना तुम्हारी फूफी की आवाजें आना शुरू हो जाएंगी और डांट मुझे सुनने को मिलेगी। मेरे होते हुए आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। कौन? अब तुम बैठो खाना खाओ, मैं देखती हूँ। अब मीना तुम तुम्हें तमीज नहीं है? बाहर खड़ी हमारी बातें सुन रही थी क्या? जहांगीर किस तरह से बात कर रहे हो? तुम्हारी छोटी बहन है। ये कोई छोटी नहीं है, बहुत तेज है ये। क्या खाओगी तुम? मैं तो सिर्फ आप लोगों की बातें सुनूंगी। बड़ी खाला और अम्मी ऊपर कमरे में बात कर रहे, आने नहीं दे रहे। जेबा तो सो गई है। तो हम क्या करें? जो आप कह रहे थे हमारा भाई। तुमने मुझे फिर हमारा कहा? तो और क्या कहूँ, सब तो आपको यही कहते हैं। मीना तुम जहांगीर भाई को जहांगीर भाई कहा करो। पर इन्हें तो सब हमारा कहते हैं। पर इनका नाम तो जहांगीर है ना, तो इन्हें सब हमारा क्यों कहते हैं? मैं कह रहा हूँ आपको उसको मुंह ना लगाएं। ये सवाल पे सवाल करके ना आपका दिमाग खराब कर देगी। हाँ क्यों मीना, तुम दिमाग खराब करोगी? मैं तो कोई दिमाग खराब नहीं करती। दिमाग कहाँ है? यहाँ। आपका दिमाग कितना गोरा है, मेरा थोड़ा सा गोरा है, हाँ ना वाला भाई? क्वास बंद करो तुम। जहांगीर बिना वजह मीना पे गुस्से हो रहे, इसमें बात नहीं करती। बैठो आराम से। नहीं नहीं, इसे इसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है। मीना चलो तुम जाओ वापस ऊपर जाओ। पर अभी तो मैं ऊपर से नीचे आई हूँ। तो फिर से चली जाओ ऊपर, जाओ। अम्मी दोबारा मुझे नीचे ना भेज दे। नहीं कुछ नहीं कहेंगी वो, तुम जाओ बस, जाओ वापस। अब नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, यहाँ बैठ।